नमस्कार, मैं हूं एम्पुरी गोस्वामी, आपके साथ लोकहित की आवाज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इससे पहले यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच करना ना भूलें। गुना जिले के आरोन शहर के गायत्री मंदिर में मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सत्य पूजन के आयोजन किया। इस कार्यक्रम में युवतियाँ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान युवतियाँ ने हाथ में तलवार और दंड लेकर प्रदर्शन भी किया। दुर्गा वाहिनी की प्रांति संयोजिकाओं कुमारी सत्यकीर्ति दीक्षित ने बताया कि युवतियों को स्वयं सुरक्षा की जरूरत है। यहाँ कार्यक्रम हर वर्ष दुर्गा वाहिनी अपनी स्थापना दिवस पर मनाती है। इस दौरान वाहिनी की विनीत सोनी सह संयोजिका गुनान से बताया कि ये समाज दूषित हो रहा है और हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हम उनको शस्त्र चलाना भी सिखाते हैं जिससे वहाँ अपनी सुरक्षा कर सकती है। जब महिषासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने शस्त्र उठाए थे, ऐसे ही अब हर युवती माँ दुर्गा है और हर महिला को सुरक्षा के लिए हथियार उठाना आवश्यक है। चल समारोह के दौरान वाहिनी का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गायत्री मंदिर पर कार्यक्रम का समापन किया गया। गुना से राहुल सक्सेना की ब्यूरो रिपोर्ट। रानी दुर्गावती ने लोहा लिया, दोनों हाथों से अस्त्र चलाया करती थी और दुश्मनों को मारती थी। तो मतलब सिखाया था ना, शिक्षा मिली थी तभी तो। अगर ऐसी कोई बंदिश होती कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता तो क्या रानी दुर्गावती इस देश के लिए लड़ सकती थी क्या? क्या रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को पीठ पर बांध करके लड़ सकती थी क्या? नहीं लड़ सकती थी। आप सोचिए,